आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। 15वीं वित्त के पैसे को पंचायतों के द्वारा सही तरीके से खर्च करने और विकास कार्यों की योजना बनाने के लिए जिला पंचायत सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 10 ऐसी पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को बुलाया गया जिनके खाते में बड़ी राशि जमा है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बैठक के दौरान सही जानकारी नहीं देने वाले और विकास कार्यों में सहयोग न करने वाले पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों पर कार्यवाही भी की गई। पंचायत और विकास विभाग के अपर सचिव के निर्देशन में प्रति सप्ताह सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक की ऐसी पंचायतें जिनके खातों में ज्यादा राशि जमा है और विकास कार्यों में खर्च नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे टॉप 10 पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक शामिल होते हैं। गुरुवार को रौन और लाहौर ब्लॉक की मीटिंग रखी गई थी। जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों से 1-to-1 चर्चा की और काम करने में आ रही अड़चनों के बारे में जानकारी ली और विकास कार्यों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। 2 अक्टूबर को हुई ग्राम सभा की बैठक के एजेंडे में शामिल बिंदुओं के बारे में जानकारी न होने पर लाहौर जनपद के अधिकारी पंचायत के सचिव को सीईओ ने मौके पर ही सस्पेंड कर दिया और विकास कार्यों में सहयोग न करने वाले रौन जनपद की चांदोख पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को जांच पूरी होने तक जिला पंचायत में अटैच कर दिया। तो वहीं एक पंचायत के सचिव को महिला सरपंच की जगह उनके पति का मोबाइल नंबर सेव करने पर उनकी 2 वेतन वृद्धि रोक दी। लाहौर और रौन के सरपंच, सचिव, डीआरएस की मीटिंग थी और उसमें कुछ लोगों पर सर कार्रवाई भी की गई है, क्या है? प्रति सप्ताह माननीय अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें एक मुख्य मुद्दा ये रहता है कि 15वें वित्त की जो राशि है उसका समय सीमा में खर्च नहीं हो पा रहा है या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें भारत सरकार से अगली किस्त लेने में काफ़ी परेशानी होगी। चूँकि भिंड जिले के अंतर्गत भी जो जितनी भी हमारी पंचायतें हैं उसमें 15 फाइनेंस का जो खर्च है वो काफ़ी कम हो रहा है और इसके कई कारण हो सकते थे। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने सभी ग्राम पंचायतों के जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारे सचिव हैं, 2-2 ब्लॉक के हम टॉप 10 जो सचिव हैं या सरपंच हैं जिनके पास राशि ज़्यादा उपलब्ध है खाते में, ऐसे सभी सरपंचों को, सचिवों को, उपयंत्रियों को हमने अपनी जिला पंचायत में बुलाया है और उनसे बातचीत किया है और खर्च नहीं होने के कारण पूछे गए हैं और इसमें कुछ लापरवाहियां बरती गई है। आज जैसे कि मीटिंग हुई थी जिसमें हमने अंधियारी के जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी लापरवाही पे उनको निलंबित किया है और इसी तरीके से जो एक ग्राम पंचायत है चंदोखर ग्राम पंचायत के जो हमारे पंचायत के जो सरपंच हैं उन्होंने मीटिंग में बताया कि उनकी बात को ना तो पंचायत सचिव सुन रहे हैं, ना जीआरएस सुन रहे हैं और ना कोई काम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थितियां निर्मित हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के सचिव जो हैं उनको और ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, इन दोनों को जिला पंचायत में जांच पूर्ण होने तक के लिए अटैचमेंट करने का कहा है आगामी आदेश तक की। जांच पूर्ण होने के बाद में फिर इनके ऊपर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। यदि सरपंच चंदोकर को यदि कार्य में असहयोग करने का मामला अगर प्रकाश में आता है कि इनके द्वारा उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको काम करने में दिक्कत पैदा की जा रही है, तो संबंधित ग्राम पंचायत के जीआरएस के विरुद्ध भी सेवा समाप्ति और संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।